हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है सब? ले जी जनाब, आज का तीसरा ब्लॉग। और क्या हाल हो गए? ठीक ठाक है सब? सुबह सुबह उठे हैं यार, मुँह धोए, फेस वॉश किए हैं, और अब नाश्ता करने की तैयारी है। मैं जनाब नाश्ते के लिए भाग जो है ना यार, मैंने कहा कि चलो कुछ ले आए, तो मैं नाश्ते के लिए जो है ना अंडे वगैरह, पर वो हमारी दुकान ही बंद है। और शिट, अब क्या करें? चलो फिर वापस बेगम को बोलते हैं कुछ और बना लो, क्योंकि लो जी अंडों का प्रोग्राम हो गया कैंसिल, क्योंकि अंडे को नहीं मिले। तो अब हम जो है ना वो बनाएंगे सालन, और साथ में कोई ना कोई रोटी खा लेंगे। हाँ भाई, अब देखते हैं सालन में क्या है। लो जी सब्जी 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 है। उनसे पूछे वो कहते हैं जी कद्दू ले आओ। अब फिर जाते हैं, जाके कद्दू ले के आते हैं और कद्दू ला के इनको देते हैं। सारे वैसे कद्दू बने हुए जनाब सब्जी ले ली है हमने, आलू बुखारा लिया है, और साथ में कद्दू लिए हैं, कद्दू और लेकर अब मैं आ रहा हूँ घर पे। घर पे जाते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। अब घर पे जाकर घर वालों को देते हैं क्योंकि वो सब्जी बनाए, और फिर हम जो है ना जी चाय पी के, हम मेरी चाय जो होती है ना वो दूसरी होती है, डाइट फूड वाली, डाइट वाली चाय है। उसमें पुदीना और इस तरह की चीज़ें डालती हैं जिससे मेरी डाइट जो है ना वो ज़रा बेहतर रहती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटा हूँ, ये देख सकते हो आप। तो इसलिए मुझे जो है ना जनाब जो है ना डाइट फूड जो है ना उसको खाना पड़ता है। मैं सिर्फ बहुत कम खाता हूँ आजकल डाइट पे होना। ईद तो फिर एक बार ही इन्नी पावांगे, ईद तो फिर एक बार ही इन्नी पा दो। ये मुँह उस वक्त बनता है जब फोन की बैटरी हो 12% और बंदे की बैंड बजी हो और लाइट भी ना हो। मौत पड़ी है और अब मस्तियाँ कर रही है अपने बाबा के साथ। फ़ोन की बैटरी भी बिल्कुल लो है, किसी वक्त भी फ़ोन बंद हो सकता है। लाइट कोई नहीं आ रही, चार्जिंग होगी तो फ़ोन चार्ज होगा, तो फिर हम जो है ना आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि बैटरी फातिमा मैडम ने सबसे पहले सोए उठे और साथ ही बोला कि जी अन्ना, उसको अंडा चाहिए, अंडा, अंडे को वो अन्ना बोलती है ना, तो वो अंडा ला के देना पड़ेगा ताकि वो अंडा खाए और फिर मेरे साथ फन डबल करे और मस्तियाँ करे। अब उसके लिए मैं अंडा लेने जा रहा हूँ, अंडा ला के दूँ उसको। नहीं जी फातिमा के लिए अंडा आ गया, अंडा, अब वो अंडा खाएगी और फ्रेश हो जाएगी। हैं लाइट यार पता नहीं, वो कह रहे डिम डिम है, नहीं चल रही मशीन। उसका अंडा नाश्ता दे और फिर वो नाश्ता करे और फ्रेश हो और फिर हमारे साथ जो है ना मस्तियाँ करे और खेले। लो जी फातिमा उठ के बैठ गई है, फ्रेश हो गए, आप देख सकते हैं। फातिमा हाय बोलो सबको, हाय हाय बोलो, हाय हाय, बू आ गई है, हाय बोलो। फातिमा गन्ना, फातिमा गंडा आ गए। हाँ जी दोस्तों, चलो जी अब हम जा रहे हैं छत पे। ये ज़रा मोबाइल है मेरी अम्मी जान का, तो मेरे मोबाइल की बैटरी ज़रा लो है, तो इसीलिए मैंने उसको चार्जिंग पर लगाया हुआ है और मैं जो है ना इस पर व्लॉग बना रहा हूँ। लो जी मैं और फातिमा आ गए हैं जी छत पे। व्यू ठीक है पर नॉर्मल है इसका व्यू। फातिमा और मैं छत पे हैं और फुल मस्ती मौज हो रही है, शरारतें कर रही है, और हम लोग सारे यहाँ पे जाना है फातिमा की शरारतें देख रहे हैं।
लो जी तीसरी छत पे भी आ गए हैं, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट और काफ़ी बेहतरीन और खूबसूरत माहौल है। ये देखिए जी हरियाली हरियाली, ग्रीनरी ग्रीनरी, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। लो जी वो जी सामने कबूतर और कबूतर के साथ मुर्गियाँ, वो हमारी मस्जिद आ गई जनाब। माशाल्लाह इस टाइम व्यू बहुत कमाल आता है यार। फातिमा भी आ गई है छत पे, और अब फातिमा ने फुल मस्ती और शैतानियाँ करनी है, इधर भागेगी। फातिमा आती कभी कभी है ना, अब जब मैं आना शुरू हुआ तो तब भी वो आना शुरू हुई है, तब वो ज़रा काफ़ी खुश होती है कि जी मैं बाबा के साथ मस्तियाँ कर रही हूँ। लेकिन आ रही है और काफ़ी इंजॉय कर रही है। वाह माहौल भी काफ़ी अच्छा है, अच्छा वेदर है आज, आज ज़रा मौसम अच्छा है क्योंकि रात को बारिश हो गई थी, उसकी वजह से वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है। अभी थोड़ी सी हम बाप बेटी दोनों वॉक करेंगे, खेलेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। वाह फातिमा 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 इधर आ जाओ, फातिमा इधर आ जाओ, बाबा को पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, म्याऊ। हम दोनों बाप बेटी ऐसे ही खेलते हैं, मस्तियां कर रहे हैं, भाग रहे हैं। हो रही फातिमा, फातिमा अब इधर, फातिमा इधर भी आके जो है ना पत्थर ही पकड़ गई, ये देखिए पत्थर ही पकड़ पकड़ के खा रही है। नो बेटा गंदी बात, बुरी बात, गंदे काम नो। फातिमा जनाब फुल मस्तियों में लगी हुई है। चलो जी अब हम ज़रा नीचे जा रहे हैं क्योंकि अब थोड़ी सी ज़रा शॉपिंग करनी है, तो इम्तियाज़ माल जाना पड़ेगा, वहाँ से थोड़ी सी ज़रा शॉपिंग करके आए मैं और फातिमा जा रहे हैं। चलो फातिमा आ जाओ, चलें फातिमा 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 आ जाओ चलें। इस टाइम का जो व्यू है ना वो बहुत कमाल आता है, वीडियो भी काफ़ी प्यारी बनती है। और छत पे शाम को पता है आपको काफ़ी अच्छा माहौल होता है, काफ़ी अच्छा रिफ्रेशमेंट होती है, फ्रेश एयर भी है, थोड़ा सा ज़रा ठंडा माहौल होता है, तो व्लॉग भी अच्छा बनता है। मैं मैडम ड्राइव कर रही है, गाड़ी चला रही है, और हम लोग जाने लगे हैं अब, और फातिमा अब जो है ना जाने लगे हैं वो क्या कहते हैं इम्तियाज़ मॉल, तो वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करके ना तो फिर आते हैं। अब फातिमा के जो चाचू हैं वो उधर हमारा वेट कर रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं उधर इम्तियाज़ मॉल। फातिमा इस रोड पे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और रश की भी आपको समझ आ रही होगी, बंदे की मत बच जाती है इस रोड पे। नहीं जनाब ये अब हम जो है ना नवाज शरीफ पुल चढ़ने लगे हैं, और इससे आगे थोड़ा सा आगे जो है ना इम्तियाज़ माल है, ये हम चढ़ गए हैं पुल पे, और अब इम्तियाज़ माल जाएंगे, और फिर वहाँ से हम जो है ना थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, शॉपिंग वॉपिंग करके तो फिर हम लोग जो है ना आ जाएंगे। ओहो और इम्तियाज़ माल
जब यू टर्न लेना है, यू टर्न लेके तो वो फिर आगे से हम लोग जाना है इम्तियाज महल के अंदर एंटर होंगे। लो जी इम्तियाज मॉल से शॉपिंग कर ली है। चाचू उसके जनाब बाहर खड़े थे, उन्होंने शॉपिंग सारी कर ली हुई थी। अब हम लोग निकलने लगे हैं वापस। आए ले जी, मैं और फातिमा ने जनाब शॉपिंग कर ली है और अब हम लोग जो है ना जा रहे हैं वापस, गोइंग बैक टू होम। हमने सौदे सारे रख लिए अंदर और अब मेरी बेगम जो है सब्जी काट रही है और हम खाएंगे कद्दू जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। फातिमा भी उसको तंग कर रही है। ये शरबत हम लोग पी रहे हैं। हमने कहा चलो यार थोड़ा सा शरबत बना के शरबत पिए। नींबू पानी बन गया है। फातिमा बेटा बस करो, बाबा का फुल हो गया, अब इसमें डालो। लो जी अब नींबू पानी पिया जा रहा है। जी अब मैं और फातिमा चावल लेने जा रहे हैं दाल कद्दू के साथ जी। उसके चाचू और उसकी दादी बोल रहे हैं कि जी हमने वो खाना है, क्या कहते हैं चावल, तो अब चावल लेने जा रहा हूँ। लेकिन चावल किस तरह मिलते हैं। मैं फिर मेरे साथ आई और फातिमा ने अब कहने की जी मुझे जूस दो। फातिमा ने फिर जूस की डिमांड मार देनी है। मैंने देख ली आइसक्रीम, फातिमा हो गई पागल। अब वो कह रही है कि जी आयशी 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 आयशी, तब उसको जो है ना आइसक्रीम लेके देने की आयशी आने लगी है जी आइसक्रीम स्पेशल ग्लास में। और साइड भी हो जा, चलो अब अंदर जाके चीजें खाओ बैठ के। ऐशी अब अंदर बैठ के खाते हैं, इधर नहीं खाते बेटा। चलो अंदर, शाबाश। फातिमा की ऐशी आ गई। अब फातिमा अपनी ऐशी खा रही है और मज़े कर रही है और मैं इधर बाहर बैठा हूँ बेटी। यार आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, थोड़ी सी प्यार मोहब्बत चाहिए। अपना प्यार दें, अपनी सपोर्ट दें मुझे, ताकि मैं भी थोड़ा ऊपर जाऊँ और मुझे भी कुछ मिले, जैसे बाकी यूट्यूबर्स को मिल रहे हैं मुझे भी कुछ मिलना शुरू हो जाए, मेरे भी कोई हालात बदले हैं। सपोर्ट करो यार, सारे मिलके मुझे सपोर्ट करो, सारे मुझे मिलके जो है ना हेल्प करो मेरी। रात हो गई है जनाब, रात के 10 बज गए हैं और अभी तक खाना कोई नहीं बना। खाना बनेगा और फिर हम खाना खाएंगे, क्योंकि अभी सारे शॉपिंग पे चले गए थे। शॉपिंग करके अब सारे आए हैं तो अब मुझे खाना आस्ते आस्ते ही बनेगा। अब वो गैस भी हमारी जो है ना यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी यहाँ पे गैस भी बहुत स्लो है। अब गैस भी नहीं आ रही, तो गैस आएगी तो फिर खाना बनेगा, उससे पहले खाना भी नहीं बन सकता। अब बैठे रहो खाने के लिए, इंतज़ार करते रहो। नहीं जी, मेरी बेगम साहिबा ने कह दिया कि जी खाने का इंतज़ार जो है रात को 12-1 बजे तक चलेगा, उससे पहले खाना नहीं मिल सकता आपको। खाना अब 12-1 बजे जाके बनेगा और फिर हम खाना खाएँगे। उतनी देर तक बस वेट करते रहो खाने का। चलो जी कोई बात नहीं, अब गुजारा तो करनी है। रोटियां नहीं है, रोटियां भी अब बाजार से लानी पड़ेंगी यार, गैस ही कोई नहीं है। रोटियां लेके आए, रोटियां ला के फिर अब जो है खाना जो है वो फिर घर में पकेगा। वही भी काला हो गया, अब वो फिर खाना भी पका के तो फिर देखते हैं क्या बनता है। इस वक्त तो सारी दुकानें भी बंद हो गई हैं। चलो शुक्र है तंदूर खुला हुआ है।
रोटियां ले आते हैं, रोटियां ले हैं। अब मसला ये कि सालन भी नहीं बन सकता, सालन बनेगा तो रोटी नहीं बनेगी। रोटियां भी बहुत मुश्किल से मिली हैं, क्योंकि जी हुकूमत ने ऑर्डर कर दिया कि जी रोटियां भी नहीं देनी, 10 बजे के बाद सारा कुछ बंद कर दिया जाए, और बंद करने के बाद जो है रोटियाँ नो चांस। अब रोटियां तंदूर वाले के साथ चलो ये है कि थोड़ी वाकफियत थी, तो उसने कह के जी चलो जी रोटियां लाइयो, नहीं तो रोटियां भी कौन सन लगनियाँ सानू। शुक्र होया रोटियां लग गई ने, तो अब रोटियां लेके तो मैं आया हूँ, तो देते हैं इनको, लो जी खाओ। अब सालन भी कोई नहीं है, सालन भी जो कल के पुराने पड़े हुए हैं उनके साथ ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि अब गैस तो है नहीं, तो सालन कुछ भी नहीं बन सकता, तो इसीलिए जो है ना अब सालन भी वो ही लेना पड़ेगा। ये लो जी रोती आ गई, धोधी आ गई, धोधी आज रोटी खा लो, चाचू के साथ बैठ के रोटी खा लो। हैं क्या कर रही, उठो उठो उठो, चलो यहाँ से उठो उठो, चलो उठ जा, उठ जाओ, मार खा लो, चलो इधर लेट जाओ, गंदा काम नो, गंदा काम नो। ये देखो जिद से जब मना करो ना तो फिर ऐसे काम करती है, देखे देखे, चलो ये लो जी ये लेट गई है बात मार। अब चल गंदी बच्ची उठ जा, कल के सालन थे, अब इनके साथ गुजारा करना पड़ रहा है हमें, ये तो बिल्कुल ही जम गया हुआ है आलू गोभी। और अब ये जो ओवन में ये जी शिमला मिर्च और आलू, ओहो ये तो बहुत गर्म हो गया यार, अब इसको भी गर्म कर लेते हैं, वैसे रख के ना इसको भी अब वैसे ही गर्म करते हैं। यार आजकल ऐसे ही बहुत बुरे हालात हुए हैं, बहुत ही बुरे हालात है, बाकी भी यूट्यूबर आपको दिखाते होंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं, समझ लें कि इस वक्त इतने डाउन टू अर्थ हालात हो गए हैं कि बता नहीं सकते हम आपको। गैस कोई नहीं है, बिजली कोई नहीं है, और बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि कैसे गुजारा करना है यार, बहुत मुश्किल हालात है यार। कल का सालन पड़ा हुआ था तो चलो उसके साथ गुजारा कर रहे हैं, उसके साथ अब खा पी के तो हम गुजारा कर लेंगे, नहीं तो इधर तो बहुत ले जनाब गैस तो बनी आई, और अब हमने ऐसे ही गुजारा किया है, हाँ ये जुगाड़ू सिस्टम करके आए हैं सारा, अब देखें जी क्या बनता है। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं बंद, और फिर कल मिलेंगे, अब खाने का भी करना है इंतज़ाम, और फिर उसके बाद सारा कुछ करना है, फिर कल मिलते हैं, कल नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, फिर मारेंगे कब्जा वास्तव के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।